नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आगरा प्रेमी युगल के लिए 14 फरवरी का दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का हिंदूवादी संगठनों द्वारा विरोध किया जाता है, लेकिन शहर के एक प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज के लेटर हेड पर जारी हुए एक पत्र में हड़कंप मचा रखा है। इस पत्र में साफ लिखा है कि वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी तक कम से कम एक बॉयफ्रेंड बना लो, सुरक्षा कारणों के लिए यह करना होगा। कॉलेज परिसर में किसी भी अकेली लड़की का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अपने बॉयफ्रेंड के साथ खिंचाई ताजा फोटो कॉलेज में प्रवेश करते समय दिखानी होगी। सिर्फ प्यार बांटिए। सोशल मीडिया पर इस पत्र के वायरल होने के बाद कॉलेज शासन में भी हड़कंप मचा हुआ है, तो वही छात्र छात्राओं के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इस लेटर के बादल होने के बाद कॉलेज प्रशासन की ओर से स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है। सोमवार को सेंट जॉन्स कॉलेज के एसोसिएट डीन प्रोफेसर आशीष शर्मा का एक पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। इस पत्र में निर्देश दिए गए कि कॉलेज की द्वितीय व अंतिम वर्ष की छात्राओं को 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे तक बॉयफ्रेंड बनाना है। जैसे ही इस बार लेटर की जानकारी कॉलेज के बीच हुई तो ये लेटर चर्चा का विषय बन गया, तो वही कॉलेज की छात्राएं भी सहमी हुई नजर आई। कॉलेज के लेटर हेड पर वायरल हुए पत्र को लेकर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसपी सिंह की सफाई भी सामने आई। उन्होंने साफ कहा कि कॉलेज में प्रोफेसर आशीष शर्मा नाम का कोई भी शिक्षक नहीं है। उन्होंने कॉलेज की ओर से स्पष्टीकरण पत्र में कहा गया कि यह पत्र फर्जी है, जिसने भी यह काम किया है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही एक फर्जी पत्र दयालबाग शिक्षण संस्थान में भी जारी हुआ है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़।